देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन यानी 1,00,000 किलो से ज्यादा सोना देश में वापस मंगवाया है और इसे अपने भंडार में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा आने वाले महीने में और 100 टन सोना देश में लाया जा सकता है। कुछ ही दिनों पहले यह खबर आई थी कि आरबीआई ने बीते 4 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा, वो भी 24 टन सोना। अब गोल्ड की कीमतों से तो आप वाकिफ ही होंगे, सोना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं। पहला, क्यों आरबीआई विदेशों से सोना वापस मंगवा रहा है? दूसरा, हमारे घर में सोना क्यों नहीं रखा जाता और ब्रिटेन के पास हम अपना सोना गिरवी या सेफ क्यों रखते हैं? तीसरा, सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि देश का सोना साल 1991 में गिरवी रखना पड़ा, यानी सोना 33 साल पहले भारत से विदेश भेजा गया, अब परिस्थिति उलट क्यों गई? चौथा, मात्र 4 महीनों आरबीआई ने 24 टन सोना क्यों खरीदा, जबकि इन्हीं दिनों में गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा तेजी दिखी। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 100 टन सोना क्यों भारत देश लाया गया, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इसके पीछे के मुख्यतः 3 कारण। पहला, केंद्रीय बैंक ने करीब 15 साल पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 200 टन सोना खरीदा था। 2009 में UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने अपनी परिसंपत्तियों में विविधता यानी डाइवर्सिटी लाने के लिए 6.7 अरब डॉलर प्राइस का 200 टन सोना खरीदा। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में और खासकर दिसंबर 2017 से आरबीआई ने सोने के स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी की। अब कहा जा रहा है कि स्टॉक्स जो विदेशों में बढ़ गया है उसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आरबीआई अपनी स्टोरेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से विदेशों में जमा भारतीय सोने की घर वापसी हो रही है। इस बात को आंकड़ों से समझिए। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में रखा है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा हुआ है, जबकि 313.8 टन अभी विदेशों में। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया। इन्हीं आंकड़ों में सामंजस्य बैठाने के लिए आरबीआई ने 100 टन सोना देश में मंगवा लिया। तीसरा कारण यह है कि विदेशों में सोना गिरवी रखने पर हमें कुछ पैसे देने होंगे, जिसको भंडारण कॉस्ट कहा जाता है। अगर विदेश से सोना वापस मंगवाया जाएगा तो इस कॉस्ट को बचाने में भी मदद मिलेगी। अब ब्रिटेन में सोना क्यों रखते हैं, इसका जवाब लीजिए। सोना के भंडारण के लिए केंद्रीय बैंकों को कई जगहों की तलाश होती है। चूंकि आजादी से पहले भारत अपना सोना ब्रिटेन में रखता था, इसलिए आरबीआई ने भी वहां सोना सुरक्षित रखना जारी रखा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाता है, यानी जो बिजनेस है वो आसान हो जाता है। वहीं विदेशों में सोना पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है, जिससे भारत को फायदा होता है। इन्हीं सब वजहों से सोना जो है ब्रिटेन में रखा जाता है। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि देश का जो सोना है साल 1991 में गिरवी रखना पड़ा था, यानी सोना जो है 33 साल पहले भारत से विदेश भेजा गया था, अब परिस्थिति उलट क्यों गई? इसका जवाब लेते हैं। 1991 के दौर में देश में चंद्रशेखर की सरकार थी, देश का खजाना खाली था, आर्थिक स्थिति जो थी हिली हुई थी, भुगतान संतुलन लुढ़क चुका था, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 2500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। यह रकम बस इतनी थी जिससे सिर्फ 15 दिन का आयात हो सके। भारत जैसे विशाल देश की इस जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था को संकट के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो कभी भी दिवालिया हो सकती। तेल के दाम आसमान छू रहे थे, ऐसे में भारत के सामने सोना संकट मोचन बनकर आया। 1991 में भारत को भुगतान के लिए 2 बार अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं। भारत की स्थिति अब 1991 से बिल्कुल विपरीत। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है, भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में आरबीआई धीरे धीरे कर विदेशों में रखा अपना सोना वापस ला रहा है। इसके अलावा सोने की घर वापसी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, और देश में सोने का भंडार बढ़ रहा है तो इसका इस्तेमाल देश की आर्थिक तरक्की में भी किया जाएगा। अब सोने का भंडार कैसे बढ़ रहा है, कुछ भी जाते जाते आंकड़ों से समझिए।
2019 में आरबीआई के पास 618.2 टन सोना, 2020 में सोने का जो भंडार है वो बढ़कर 661.4 टन, 2021 में भारत का सोना भंडार 695.3 टन पर पहुंच गया, 22 में सोने का जो रिजर्व है वो 760.4 टन पर पहुंच गया, साल 2023 में ये आंकड़ा जो है 794.6 टन पर पहुंच गया, साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 822.1 टन पर पहुंच गया। और अंत में मात्र 4 महीनों में आरबीआई ने 24 टन सोना क्यों खरीदा, इसका जवाब भी दीजिए। इसका जवाब ये है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों के प्रभाव से बचने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी। इसलिए भारत के केंद्रीय बैंक ने अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 1991 में देश में विदेशी मुद्रा संकट के समय केंद्रीय बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा गिरवी रख दिया, जैसा कि मैंने आपको उस कहानी की शुरुआत में भी इस बात को विस्तार से बताया। हालांकि बाद में सारा सोना जो है केंद्रीय बैंक के खजाने में वापस आ गया, लेकिन यह उदाहरण है कि आर्थिक संकट के समय सोना बड़ी भूमिका निभाता है। यही वजह है कि आरबीआई दिसंबर 2017 से ही सोने का भंडार बढ़ा रही है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।